आज केज की सफाई हो रही नाज़रीन, रमज़ान से पहले से साफ़ किया था, रमज़ान से पहले और काफ़ी गंदा हो रहा था, तो अब केज की सफाई कर रहे हैं। ये पुरानी मिट्टी सब इसमें से निकाल रहे हैं, इंशाल्लाह इसके बाद नई मिट्टी डालेंगे, फिर इसमें दोबारा मुर्गी उसका बच्चा छोड़ेंगे। देखिए यहाँ एक मुर्गी यहाँ पे अंडों पे बैठी हुई है, एक मुर्गी यहाँ अंडों पे बैठी, दोनों लासानी, ये दोनों बहनें प्योर लासानी के बच्ची पट्टी है ये, इसके नीचे भी अंडे 10-11 और इसके नीचे भी, इंशाल्लाह इसमें से बच्चे निकलेंगे तो आपको दिखाएंगे। फिलहाल अभी सफाई हो रही है, सफाई के बाद फिर आपको मज़ीद दिखाते हैं। आज देखें हम हफ्ता सफाई मना रहे हैं, सफाई की है, ये हमारा जावा लाती है, देखें ये हमारे हीरा पट्टे, ये कंधारी मादी है, उसके अंदर भी हीरा है जाल में, ये देखें आज पूरे केज की सफाई। ये हमारा लासानी मुर्गा माशाल्लाह, ये देखें ये प्योर लासानी है जी, शामू और लासानी का क्रॉस है, और ये लासानी पट्टी माशाल्लाह, ये दोनों जो हैं मुर्गाबाजी वाले बरदर जैन खान, ज़िला सवाबी के इस्लामाबाद में भी शौक करते हैं वो जैन खान, मशहूर यूट्यूबर, ये उनकी ब्रीड है जी, उन्होंने हमें तकरीबन 1.5 साल पहले दी थी, ये नस्ल है उनकी माशाल्लाह, बड़ी मेहरबानी जैन खान भाई। और वो जो मैंने अपने आपको दो पट्टियाँ दिखाई जो अंडों पर बैठी हैं, वो इसी से हैं, इसी की नस्ल है, खुल के दिखाते हैं। देखें हमारा जवा मुर्गा, ये देखें माशाल्लाह प्योर मियाँ वाली है, ये भी देखें देखें यहाँ की भी सफाई हुई है, ये पट्टा भी देखें वो उसी लासानी का जो भी हमने तो दिखाया, तो बरदर जैन खान की ब्रीड है, ये उसी उन्हीं का पट्टा है, ये तकरीबन 14 महीने का हो गया। ये इस कमरे की भी सफाई की, देखें सारा कमरा साफ किया है, बहुत गंदा हो रहा था इस बार में कबूतर छोड़े हुए, देखें हमने इस दफ़ा ना इसमें ये रेती डाली है, ये देखें रेती डाली है, हमेशा बालू मिट्टी डालते थे, बालू मिट्टी के नुकसान ही होता था कि मिट्टी उड़ती थी उससे बहुत ज़्यादा, तो मिट्टी उड़ती है तो परिंदों के आँखों में भी जाती है ना, ये देखें ये सारे ब्लैक काले शिराजी भी हैं इसमें, ये देखें इसमें रेसर भी है, ये देखें ये रेसर है, इसमें पट्टे भी हैं, ये मैं मुर्गियों के शौक़ के साथ साथ कबूतरों का शौक़ भी कर रहा हूँ, ये देखें ये सारे ही घर की ब्रीड है मेरी, अब घर में निकलें, ये देखें कुछ कुछ पर पड़ीर है, ये सब घर की ब्रीड है, सारे बच्चे यहीं घर पे निकले। ये कि आपको चूज़ा नज़र आ रहा है, ये ऐसा अंधेरा कम है, ये भी उसी कंधारी का है, क्योंकि मुझको मार रहे थे मैंने इसको अलग कर दिया, ये भी कंधारी का एक बच्चा है माशाल्लाह, और इसमें भी एक कंधारी का बच्चा बन रहा है, इनको अलग इसलिए किया है क्योंकि ये आपको पता है सील जो होते हैं ये बहुत लड़ते हैं और एक दूसरे को नुकसान पहुँचाते हैं, इसलिए मैंने उनको अलग कर दिया। देखें आज ये बिल्कुल साफ़ कर दिया हमने, और नहीं बहुत गंदगी थी यहाँ पर, ये एक रेसर रेसर का जोड़ा मेरा, यहाँ इस भीतर भी देखें शिराजी हैं, रेसर्स हैं, लाल शिराजी हैं, अच्छा ये देखें ये इसी में से निकले हैं रेसर्स, और ये गुब्बारा एक बीच में नज़र आ रहा है मैगपाई, अच्छा इसमें ये देखें जर्मन टाई हैं, ये सब जर्मन टाई हैं। खाली किया दोबारा इसमें मिट्टी डालेंगे या हम इसमें रेती डाल लें, देखें रेत डाल रहे हैं ताकि बीट वगैरह ज़मीन पे ना चुपके, और वैसे भी मिट्टी गर्मियों में अच्छी होती है, ठंडी रहती है, तो इसमें मिट्टी भी छा रहे हैं और इससे बू भी नहीं उठती है, ये हम कम से कम 1-1.5 महीने में मिट्टी तब्दील कर देते हैं, इसको फेंक देते हैं, जब पुराना हो जाता है फिर नया डालते हैं, अभी नहीं इसमें रेती डाल लें। देखें देखें नाज़रीन ये भी हीरा के पट्टे हैं, ये 4.5 महीने के तकरीबन 5 महीने के हो गए हैं, ये कंधारी मादा
और मियाँ वाली रामपुरी क्रॉस हीरा नर से हैं ये, जैसे प्योर पेपर वाइट माशाल्लाह। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी।